हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सारा प्रोसेस जिससे बाज़ार में मिलने वाली ताज़ी हरी काली मिर्चों को आप घर पर आसानी से कैसे सुखा सकें। इसे सुखाना तो बहुत आसान है, मगर हमें राइट वे ज़रूर पता होना चाहिए, तभी हम ये प्रोसेस घर पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ धूप में सुखाने से ये मिर्चें काली हो जाती हैं, मगर ऐसा नहीं होता। चलिए सही प्रोसेस को सीखते हैं। इसके लिए मैंने यूज़ की है 2 kg के करीब फ्रेश काली मिर्चें। ये जब फ्रेश होती हैं तो बिल्कुल हरी होती हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और एक स्ट्रेनर में डाल दिया है। अब इन्हें हम एक प्रोसेस से पार करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम एक बड़े पतीले में पानी गरम रखेंगे। पानी को अच्छी तरह से गरम कर लें। जब पानी में उबाल आने लगे तो गैस को ऑफ कर दें। ध्यान रखें कि उबलते पानी में हमें इन काली मिर्चों को नहीं डालना है। इस स्टेज पर जब गैस बंद हो, हम काली मिर्चों को इस पानी में डाल देंगे। यहाँ काली मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं इन्हें 2 batches में डालूँगी। पानी में डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से पानी में सोक करें और सिर्फ 1 minute तक ही पानी में रहने दें और इन्हें तुरंत निकाल लें। ध्यान रखें कि पानी कभी भी बॉईल ना हो और गैस बंद हो जब हम ये प्रोसेस करते हों, नहीं तो काली मिर्चें गल जाती हैं। अब हम सेकेंड बैच जो मिर्चों का है उन्हें भी इसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे और इन्हें पानी में से निकाल लेंगे। पानी में से निकालने के बाद इन्हें कुछ देर तक एक स्ट्रेनर में रहने दें ताकि इनका एक्सेस वाटर ड्रेन ऑफ हो जाए। अब हम इन्हें धूप में सुखाएंगे। इसके लिए इन्हें अच्छी तरह से फैला दें ताकि धूप इन्हें जल्दी सुखा सके। दूसरे दिन तक आप देखेंगे कि सारी हरी काली मिर्चें अब काली हो चुकी हैं। दो दिन के बाद हम इन काली मिर्चों को गुच्छों में से अलग कर लेंगे। ऐसा करने से ये और भी जल्दी सूख जाएंगी। गुच्छों से अलग करने के बाद आप इन्हें तब तक धूप में रखें जब तक कि ये सूखकर बिल्कुल कड़क ना हो जाएं। इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लग जाता है। अब ये मिर्चें सूखकर बिल्कुल कड़क हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें ट्रांसफ़र करूंगी ड्राई एयरटाइट बॉटल्स में। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से स्टोर करें तो ये काली मिर्चें 2 या 3 साल तक भी लास्ट करती हैं। जब भी आपको पीसी हुई काली मिर्च की ज़रूरत हो तो ये मिर्चों को ग्राइंडर में डालें और इन्हें पीसकर फ्रेश ब्लैक पेपर घर पर ही बनाएं। इसकी खुशबू ही बिल्कुल अलग होती है। आप देखिएगा कंपेयर करके, जो मार्केट में मिलती है ना पैकेट्स में, उससे ये कई गुना बेहतर होती है। होप आप भी अब काली मिर्चों को घर पर सुखाना शुरू कर देंगे। अगर आपको
मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।